विधानसभा गंगों में कांग्रेस विधायक प्रत्याशी अशोक सैनी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय के उद्घाटन के दौरान प्रत्याशी अशोक सैनी ने सभी कांग्रेस समर्थकों व क्षेत्र के निवासियों का आभार व्यक्त करते हुए गंगों विधानसभा सीट से जिताने की अपील की तथा विकास कार्य कराने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर ओमपाल सैनी, डॉक्टर हंसराज सैनी, देवेंद्र राणा, सुनीता सैनी, अशोक अरोड़ा, नितिन शर्मा, मुजफ्फर अली, सुरेंद्र कपिल, सुल्तान सिंह, डॉक्टर अजय गुज्जर, फाजिल हुसैन मौजूद रहे। सभा का संचालन विजय शर्मा ने किया। रिपोर्ट रीना सैनी। आज मैं की बदौलत इस विधानसभा में मैं यहाँ का प्रत्याशी हूँ। हमारे संगठन के लोग आदरणीय बड़े भाई फाजिल जी, युवा के अध्यक्ष आदरणीय नितिन शर्मा जी, हमारे पिता तुल्य आदरणीय नरेंद्र शर्मा जी, हमारे एडवोकेट चौधरी साहब जी और पीसीसी सदस्य आदरणीय जोशी साहब और आदरणीय भाई दानिश खान जी और हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष, नौता ब्लॉक के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र नारायण जी और गंगो ब्लॉक के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई आदरणीय धीरज गुज्जर जी और नपुड़ के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय रणवीर चौधरी जी और सोशल मीडिया के हमारे जो सहानुभूति को देख रहे हैं आदरणीय हमारे खानी भाई जी और उपस्थित क्योंकि काफ़ी और लोग भी हैं जिनका मैं दिल से नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज के आदरणीय ओमपाल सैनी जी भी, प्रदेश महामंत्री आदरणीय डॉक्टर हंसराज सैनी जी भी और ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज की हमारी महिला अध्यक्ष आदरणीय सुनीता सैनी जी, जो पूरी मेहनत के साथ यहाँ गंगो विधानसभा में काम कर रही है और इनके अलावा भी कई टीमें इस गंगो विधानसभा में लग रही है और काफी लोग जिन्हें मैं भी नहीं जानता जो अपने अपने तरीके से मेरे लिए काम कर रहे हैं और आप जिस तरीके से कंधे से कंधा मेरे साथ मिलाकर चल रहे हैं और जो प्यार और मोहब्बत जो आपका मुझे मिल रहा है, मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आपका। तो मैं हमेशा आपके साथ ऐसे ही खड़ा रहूं। साथियों, वैसे तो मेरे आदरणीय सुरेंद्र कपिल जी ने या हमारे प्रभारी जी ने पार्टी के उस पर काफी कुछ है, आप सब जानते हैं, क्योंकि पार्टी खुद क्या करती है उस पर मैं क्या बोलूं, ये तो आप सब जानते हैं।